बच्चों आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं तो उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी जैसे आप अपने घरों में पौधों को बढ़ते गमले में पौधे तो लगे ही होंगे या आसपास भी आप अपने पेड़ पौधों को बड़े बड़े वृक्षों को देखते होंगे या किसी शहर की हम बात करते हैं शहर की बात के साथ हम किसी देश की भी बात कर सकते हैं कि पहले वो देश किस अवस्था में था अभी किस अवस्था में पहुंच गया है पहले कोई गांव या शहर कितने क्षेत्र में फैला हुआ था कितना सिमटा था वहाँ क्या क्या सुविधाएँ थीं और आज वो किस स्तर पर पहुंच गया है ठीक उसी प्रकार जैसे आपके घर में गमले में लगा पौधा जब आप उसे उस पौधे को लगाते हैं और कुछ महीनों के बाद देखते हैं तो क्या वो उसी अवस्था में रहता है या वो उतना ही बड़ा होता है पौधा उसमें लगातार ग्रोथ होती है वृद्धि होती है ठीक आप आपके बारे में और हमारे विषय पर भी जब हम चर्चा करते हैं तो एक बच्चा जब उसका जन्म होता है और जन्म से लेकर जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो भी हम उस बच्चे में जन्म के बाद लगातार समय के साथ वृद्धि ग्रोथ या डेवलपमेंट को देखते हैं तो ये कुछ उदाहरण हैं आपके जैसे हमने राष्ट्र या देश की बात की किसी गांव या शहर की बात की एक पौधे की बात की या एक मनुष्य जो जन्म लेता है और जन्म से लेकर लगातार अपनी आयु में वो आगे बढ़ता जाता है ये कुछ एग्जाम्पल हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के जिसे हम कहते हैं वृद्धि और विकास तो आज हम इसी वृद्धि और विकास विषय पर बात करेंगे जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मानव विकास आज हम चर्चा करेंगे मानव विकास के बारे में तो जब हम मानव विकास की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं इसमें दो शब्द हमको मिल रहे हैं पहला वृद्धि और विकास हालांकि जब हम ये दोनों शब्दों पर बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि चाहे वो वृद्धि हो या हम विकास कहें ग्रोथ कह है रहे हैं या डेवलपमेंट कह रहे हैं लेकिन ये हमको सुनने में तो एक समान लगते हैं लेकिन इसमें एक सूक्ष्म डिफरेंस है सूक्ष्म जो है अंतर हमको मिलता है वो क्या है तो आज उसी पर हम चर्चा करते हैं कि मानव विकास क्या है हम इसका मेज़रमेंट कैसे कर आ, करते हैं और हम ये कैसे जान सकते हैं कि किसी देश या राष्ट्र या समाज में मानव का विकास कैसे हो रहा है इस मानव विकास की अवधारणा या संकल्पना को कौन लेकर आया और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि विश्व में हम चाहे किसी भी देश या राष्ट्र में मानव विकास की बात करते हैं तो वो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है तो भी हम बात कर रहे थे मानव विकास के संदर्भ में तो हमने कहा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों ही इस बात को इंगित करते हैं या इशारा करते हैं इस बात की ओर कि समय के साथ परिवर्तन किसी भी चीज में उससे तात्पर्य होता है चाहे हम वृद्धि ग्रोथ की बात करें या हम बात करें डेवलपमेंट या विकास की ये दोनों ही चीजें जो हैं वो समय के साथ परिवर्तनशीलता को चेंज को दिखाते हैं या दर्शाते हैं या हमारा मीनिंग ही इससे होता है चेंज समय के साथ परिवर्तन या परिवर्तनशीलता अभी हमने देखा ना कि एक छोटे से पौधे को जब हम ल, आ, गमले में लगाते हैं और समय के साथ धीरे धीरे हम उसमें ग्रोथ की प्रवृत्ति देखते हैं फिर आ, हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं या विकास की बात करते हैं तो फिर हम उसकी क्वालिटी में आ जाते हैं अब हमने कहा कि इसमें बहुत छोटा सा अंतर है सुनने में तो हमको एक जैसा लगता है हम वृद्धि कहें या विकास कहें लेकिन जो उसमें छोटा अंतर है सूक्ष्म अंतर है वो कौन सा है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी जैसे आ, आप कक्षा में पढ़ते हैं टीचर आपको लेक्चर देते हैं आप लेक्चर सुन रहे हैं डे बाय डे डे बाय डे हर एक लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप आज आपने एक चैप्टर आ, पढ़ा दूसरे दिन टीचर ने आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया तीसरे दिन तीसरा चैप्टर पढ़ाया तो आप ग्रोथ तो कर रहे हैं है ना ग्रोथ किसमें कर रहे हैं कि आप डेली डे बाय डे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप चैप्टर वन से चैप्टर टू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं फिर चैप्टर टू से चैप्टर थ्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन क्या आपके उस चैप्टर के लेक्चर को अटेंड करने से बस ये जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं कि आप लगातार आगे वाले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या रियल में आपका डेवलपमेंट हो रहा है जरूरी नहीं है ये हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है वो इसलिए कि आपने छ चैप्टर आठ चैप्टर या दस चैप्टर जो है वो लेक्चर अटेंड तो किया है टीचर ने आपको पढ़ाया तो है लेकिन वो आपकी समझ में कितना आया है आपने उसको कितना लर्न किया है डिपेंड करता है कि आप उस चैप्टर में कितना विकास कर रहे हैं कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं वो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है तो ग्रोथ तो आप करेंगे देखिए इसी में छोटा अंतर हमको नजर आ गया कि हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अगर उस दस चैप्टर में से हमने सिर्फ दो चैप्टर ही हम हमने लर्न किया या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया तभी हम कहेंगे कि हमने दो दस चैप्टर है उसमें से सिर्फ दो चैप्टर में हमारा विकास हुआ है हमने डेवलपमेंट किया है हमने पूरी तरह से उसको अपने जीवन में उतारा है समझा है और अगर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि हमने सिर्फ ग्रोथ किया हमने डेवलपमेंट नहीं किया ठीक इसी प्रकार एक एग्ज़ाम्पल और आ, जैसे कोई शहर है और आ, उस शहर की पॉपुलेशन आज आ, दो लाख है या पाँच लाख है और समय के साथ आ, जो परिवर्तन हम उस में देखेंगे ग्रोथ में तो ग्रोथ क्या होगी कि आज तो वर्तमान में पाँच साल है लेकिन आगामी तीन साल के बाद हम देखेंगे कि उस शहर की जनसंख्या जो है वो दस लाख तक पहुंच गई तो पॉपुलेशन में ग्रोथ तो हुई जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है लेकिन क्या ये ग्रोथ के साथ वहाँ डेवलपमेंट हुआ है यह डिपेंड करता है कि जनसंख्या के बढ़ जाने से पॉपुलेशन में ग्रोथ हो जाने से बस हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते अगर जनसंख्या के साथ साथ उस जनसंख्या को मिल आ, मिलने वाली जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं फिर हम बात कर लें पीने के पानी की सीवरेज की जो प्रॉब्लम है रहने के लिए आवास, खाने के लिए भोजन ये सारी चीज़ें तो आ, कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ ही उसके लिए अनिवार्य मूलभूत आवश्यकता हो जाती है तो किसी शहर में किसी नगर में या किसी देश की जनसंख्या बढ़ जाने से बस वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा हम क्वांटिटेटिव कह सकते हैं उसे मात्रात्मक उसमें वृद्धि हो रही है लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ी कि जनसंख्या बस बढ़ गई है लेकिन उसको जो आवश्यकताएं मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रही हैं तो उसमें डेवलपमेंट हम नहीं कह सकते हम नहीं कह सकते कि उस शहर का विकास हुआ है उस शहर ने सिर्फ आ, ग्रोथ की है डेवलपमेंट दे, नहीं किया है पॉपुलेशन में उसने ग्रोथ की है लेकिन आ, उस पॉपुलेशन में डेवलपमेंट नहीं हुआ है उस शहर का विकास नहीं हुआ है ठीक इसी प्रकार हम देख सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा जब जन्म ले रहा है उसके बाद उसकी आयु समय के साथ लगातार बढ़ रही है वो पाँच साल का हो गया दस साल का हो गया पंद्रह साल का हो गया तो उसकी शारीरिक वृद्धि तो हो रही है है ना मतलब हम कह सकते हैं कि उसके हाथ पैर लंबे हो रहे हैं क्योंकि उसकी हाइट बढ़ रही है उसके वजन में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन उसका दिमाग जो पाँच साल का बच्चा जितनी उसमें सोचने समझने की क्षमता होगी और एक पंद्रह साल का जो बच्चा है और एक यंग जनरेशन हम कह सकते हैं बीस से पच्चीस साल का जो व्यक्ति है उसके सोचने और समझने की क्षमता कार्य क्षमता इन सभी में हमको अंतर मिलेगा तो वो बच्चा समय के साथ उसमें ग्रोथ तो हो रहा है मतलब शारीरिक वृद्धि तो हो रही है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास तो हो रहा है उसके हाथ लंबे हो रहे हैं पैर लंबे हो रहे हैं जो हाइट है वो लगातार बढ़ रही है वेट भी हाइट के अकॉर्डिंग वेट में भी लगातार ग्रोथ हो रही है लेकिन जो उसका मानसिक विकास होना चाहिए जो मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया अभी भी उस बच्चे का दिमाग जो है जो 20 साल के बच्चे में जितनी क्षमता होनी चाहिए जो मानसिक क्षमता होनी चाहिए वो अभी भी उसकी 5 साल के बच्चे के ही समान हैं तो आई थिंक आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही एक डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों में एक अंतर है और हम इसको और क्लियरिफाई कर लेते हैं इस अंतर को और अच्छे से स्पष्ट कर लेते हैं कि भाई जब हम ग्रोथ या वृद्धि की बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम किस आधार पे दोनों में अंतर करेंगे तो वृद्धि जो है ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक होती है और मात्रात्मक कैसे अभी हमने कहा ना कि इस नगर की जनसंख्या आज पांच लाख थी तीन साल के बाद दस लाख हो गई तो हम उसे मेजरमेंट कर सकते हैं क्वांटिटी उसकी बढ़ रही है जनसंख्या की पॉपुलेशन की क्वांटिटी बढ़ गई है पाँच लाख ,00 से दस लाख ,00 हो गई है समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उसमें लेकिन अभी हमने कहा कि उस जनसंख्या के बढ़ने के अनुसार वहाँ उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो आवास भोजन या जल की उपलब्धता जिस मात्रा में होनी चाहिए जितनी मात्रा में उन्हें उस जनसंख्या को पोषण मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है तो इसे हम मेज़रमेंट नहीं हम आ, मतलब क्वांटिटी में हम इसे मेज़रमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आ, जो ग्रोथ होती है वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है क्वांटिटेटिव होती है लेकिन आ, जब हम विकास या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विकास या डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव या गुणात्मक वृद्धि हम कह सकते हैं जब गुणात्मक रूप में परिवर्तन होता है किसी चीज़ में फिर हमने चाहे बच्चे की बात की कि आज जो बच्चा जन्म लिया है पाँच साल के बाद जैसा उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए मानसिक विकास होना चाहिए जो मानसिक स्तर की स्थिति होनी चाहिए वो पंद्रह साल का या जब वो बीस साल का हो जाता है तब भी उसका जो मानसिक स्तर है मेंटल लेवल जो है वो पाँच साल के बच्चे के ही समान है लेकिन बराबर उसकी हाइट और वेट में ग्रोथ हुई है वृद्धि हुई है तो शारीरिक वृद्धि तो हो गई लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए जो गुणात्मक चेंज उसमें होना चाहिए क्वालिटी चेंज जो आनी चाहिए वो उस बच्चे में नहीं आई हैं तो हम कहते हैं कि शारीरिक वृद्धि तो हो गई है लेकिन मानसिक विकास जो है वो नहीं हो पाया है तो ग्रोथ जो है वो एक मात्रात्मक परिवर्तन कह सकते हैं और विकास या डेवलपमेंट जो है वो गुणात्मक चेंज को हम कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन को कहा जाता है फिर हम कहते हैं भाई जैसे दूसरी चीज़ ग्रोथ ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं तो ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है वो कैसे जैसे हम जनसंख्या के ही संदर्भ में लेते हैं तो भाई जनसंख्या के संदर्भ में हो सकता है कि दो साल के बाद आ, किसी शहर की या देश की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है क्योंकि मृत्यु दर में लगातार आ, कमी आ गई लोग कम मर रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी और जन्म दर भी बढ़ रही है क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बढ़ गई हैं तो जन्म के समय जो मृत्यु होती थी या कुपोषण के कारण जो मृत्यु होती थी वो अब नहीं हो रही है मृत्यु दर में कंट्रोल कर लिया गया है डेथ रेट जो है वो कंट्रोल हो गई है तो हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में पॉजिटिव चेंज हो गया या सकारात्मक वृद्धि हुई है क्योंकि आज जो पाँच लाख थी तीन साल के बाद वो दस लाख हो तो हमने देखा कि आ, जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वृद्धि हुई मतलब ये पॉजिटिव थी जो अभी वर्तमान में पाँच लाख है वो तीन साल के बाद दस लाख हो गई तो पॉजिटिव हो गई और ऐसा भी हो सकता है कि उस किसी भी देश या राष्ट्र की जो हम बात कर रहे हैं या शहर की ही बात कर रहे हैं तो अभी जैसे कोविड नाइन्टीन महामारी आई तो ऐसी ही कोई महामारी से उस क्षेत्र का उस प्रदेश का जो मृत्यु दर है डेथ रेट है वो डेथ रेट अचानक से बढ़ जाए मृत्यु दर अधिक हो जाए तो जनसंख्या में क्या होगी कमी आ जाएगी या हो सकता है किसी अकाल के कारण या फिर किसी भी प्राकृतिक आपदा की हम बात करें यदि वो क्षेत्र जो है वो अचानक इसके चपेट में आ जाए तो जनसंख्या जो है वो उसमें वृद्धि की बजाय हमें कमी देखने को मिलेगी तो ग्रोथ को हम समझ सकते हैं कि ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक या निगेटिव भी ऋणात्मक भी हो सकती है लेकिन विकास जो है डेवलपमेंट जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी क्योंकि हमने बात की थी कि हम इसे मात्रात्मक नहीं होता है ये गुणात्मक होता है तो किसी भी चीज़ में क्वालिटी आ, आ रही है उसका गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है और ये गुणात्मक परिवर्तन जो है गुणों में वृद्धि हो रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी कभी भी निगेटिव जो है वो नहीं हो सकती हम कह रहे हैं भाई राष्ट्र के राष्ट्र का जो है वो विकास हो रहा है पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है और उस पॉपुलेशन को उस जनसंख्या को उस देश या राष्ट्र में उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं चाहे हम शिक्षा की बात करें स्वास्थ्य की बात करें आवासीय व्यवस्था की बात करें किसी भी मूलभूत आवश्यकता की हम बात करें तो जनसंख्या में ग्रोथ के साथ साथ इन आवश्यकताओं में मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति में भी वृद्धि हो रही है तो इनमें वृद्धि होने से क्या होगा मनुष्य जो है आ, किसी देश के नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आ, तो कुपोषण मुक्त तो होगा वो अच्छी शिक्षा जो है वो प्राप्त होगी तो क्या है ये ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता ये हमेशा ही पॉजिटिव ग्रोथ होगा पॉजिटिव ही चेंज आएगा उसमें तो ये जो पॉजिटिव चेंज है यह हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है लेकिन विकास हमेशा पॉजिटिव होगा फिर हम एक और आधार पर इसमें देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है या वृद्धि जो है उसको मापा जा सकता है हमने कहा ना भाई कि जनसंख्या पाँच लाख से दो लाख हो गई इसका मेजरमेंट कर सकते हैं हम कि दुगनी हुई तिगुनी हुई या कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी आई है हाँ किसी मनुष्य का हम बोल रहे हैं किसी बच्चे का ग्रोथ हो रहा है शारीरिक वृद्धि हो रही है तो हाइट कितनी बढ़ी है हम मेजरमेंट कह सक कर सकते हैं ना उसको कि दो फुट से तीन फुट हो गया तीन फुट से चार फुट हो गया या वेट जो है वो पच्चीस से तीस के हो गया तीस से चालीस के हो गया समय के अनुसार कैसा चेंज हो रहा है उसमें हम इसको माप सकते हैं उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं ग्रोथ में लेकिन डेवलपमेंट जो है वो उसका कभी भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता उसको मापा नहीं जा सकता वो अनुभव की जा सकती है हम पेड़ को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और मतलब उसमें क्वालिटी आ रही है कि वो बहुत ही अच्छे फल दे रहा है या फल देने फलदार पौधा है और अधिक से अधिक फल दे रहा है कोई गाय जो है दूध दे रही है किस किस क्वालिटी का दूध दे रही है यह हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं राष्ट्र में डेवलपमेंट हो रहा है विकास हो रहा है तो हम इस आधार पर कह रहे हैं कि वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो बढ़ रही हैं तकनीकी प्रौद्योगिकी विकास जो है उस देश का हो रहा है तो ये सारी चीज़ें जो हैं या हम अभी किसी बच्चे की बात कर रहे हैं कि उम्र के अनुसार जो है ग्रोथ हो रहा है शारीरिक वृद्धि अलग है लेकिन जो उसका मेंटल स्टेटस है मानसिक स्तर मानसिक स्तर की जो स्थिति है वो भी बढ़ रही है तो ये सारी बातें जो हैं वो अनुभव वाली हैं उसको फील किया जा सकता है उसका मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता डेवलपमेंट का या विकास का फिर हम देखते हैं कि आ, ग्रोथ तो ग्रोथ को हम एक सीमित अर्थ में ले सकते हैं या एक सीमित क्षेत्र के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं कि उसमें क्या चेंज हो रहा है लेकिन हम जब डेवलपमेंट या विकास की बात करते हैं तो ये एक व्यापक अर्थ है हर क्षेत्र में आ, किसी चीज़ का आ, जो चेंज है वो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वृद्धि तो है ही लेकिन सकारात्मक सकारात्मक वृद्धि के साथ साथ उसमें क्वालिटी आनी चाहिए उसका गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए तभी हम कहेंगे कि वो विकास की अवस्था को विकास की दशा को प्राप्त कर रहा है या विकास कर रहा है तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि भाई ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है ग्रोथ वो हमेशा पॉजिटिव होगा ग्रोथ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं इसे मापा नहीं जा सकता डेवलपमेंट को उसे अनुभव किया जा सकता है ये सीमित अर्थ में है डेवलप डेवलपमेंट या विकास जो है उसे हम व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं ग्रोथ जो है ये मात्रात्मक है क्वांटिटी क्वांटिटेटिव चेंज हम कह सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट या विकास जो है वो आ, पॉजिटिव चेंज हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव में भी कैसा क्वालिटी जो है वो चेंज होती है तब हम उसे विकास कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप ग्रोथ और डेवलपमेंट इन दोनों में क्या अंतर है इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे